आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। वालेकुम। हम लोग कई रातों से सो नहीं सक रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हरास कर रहे हैं, और कल रात में तो हम लोग बड़ी मुश्किल से 2 बजे ऐसा लेटे, नींद तो बड़ी मुश्किल से आई, जैसे ही हम कुनूदगी में थे अचानक हमला हुआ, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, बच्चे भी परेशान हो गए, हम सब परेशान हो गए। फिर उसके बाद जब घर में जेंट्स ही है समझे वो लोग, असल में हम लोग चप्पल हम पूरे अंदर रख लिए थे, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, हम अल्लाह तआला के लिए रज़ा के लिए हम हक़ पे है बोलकर हम अंदर बैठे हुए हैं, रज़ा के लिए हम हक़ पे है बोलकर हम अंदर बैठे हुए हैं, वरना हम चले जाते थे अगर हम ना हक़ रहते तो। फिर उसके बाद जब मैं आवाज़ें दी, जेंट्स की आवाज़ आए तो क्या करें, वो लोग और ज़्यादा चीखा मार रहे हैं, बाहर निकलने के लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जैसे ही मैं आवाज़, हाँ डोर पर किक करे वो लोग, कई बार मारे, हाँ पता नहीं पत्थर मारे या लात मारे, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे, वो रात का सन्नाटा, और हम लोग बिल्कुल ऐसा नींद लगी कुनूदगी में थे, इतना डर गए हम लोग। फिर जब मैं आवाज़ दी, हाँ मीटर भी निकाल दिया, हम लोग जब लाइट के लिए कनेक्शन ले रहे थे तो वहाँ पर भी आकर वायर खींच कर लेकर चले गए, केबल भी खींच कर लेकर चले गए। गड़बड़ी की वजह ये है कि वो लोग बोले कि यहाँ से निकल जाओ, चाबी हम, हाँ निकल जाओ, चाबी हम आपको दे दो, निकल जाने के लिए कह रहे हैं बार बार। जी हाँ, हमारा हमारी रजिस्ट्री है, हम टैक्स वगैरह पे करते सब करते जी। फिर जब जी हो सकता वही होंगे, नहीं तो और कौन रहते ऐसा करने वाले। अब क्या है, आपकी जान को खतरा है? हाँ हमारी जान पे खतरा है, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, कल तो अटैक भी कर दिए भी, कल तो अल्लाह बचाए वाकई में, अगर हम डर के खामोश होते तो वो अंदर भी आकर और पता नहीं हमारे साथ क्या करते थे। मासूम बच्चे है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कितनी देर तक ना हम संभले ना हमारे बच्चे संभले। पुलिस वालों से क्या चाह रहे हैं आप? हम पुलिस वालों से इंसाफ की उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि वो लोग इंसाफ सही हक़ का साथ दें। इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए आप जो है ना, कौन कौन इन्वॉल्व होना, पुलिस वाले, डीसी साहब, एसीपी साहब? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं। एरिया एमएलए से क्या उम्मीद है आपको? हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ इंसाफ करें, हक़ का साथ दें वो लोग भी, क्योंकि अलग, हाँ हम अकबरुद्दीन साहब तो हम उनसे ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला जुल्म करने वालों के साथ साथ नहीं देना चाहते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जुल्म करता है उसका साथ ना दो, जालिम का साथ देने वाला भी जालिमों में शामिल होता है। हम मज़लूम हैं, हमारी मदद करनी है उनका फ़र्ज़ है, एज ए मुस्लिम भी उनका फ़र्ज़ है, और हक इंसान होने के नाते भी, इंसानियत के नाते उनका हक है कि ये जो मज़लूम है उनके साथ दें। माना कम्मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। देखिए भाई, ये लेकवी लुल का जो मसला है, आई डोंट वांट टू गो, मैं लंबी स्टोरी में नहीं जाता, आप जैसा बोले शार्ट बोलने वाला हूँ, वो प्राइड इंडिया का सब छोड़िए। ये जो ज़मीन है ये मानिक रेड्डी साहब की पट्टे की है, जिसको अलीम साहब डील करे 1990s में, 25 साल पहले शोके, जब से सब डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराए तो उनके सब लीग ग्रामीण हैं, सब जो है बाद रजिस्टर्ड है, बाद नोटरी के हैं, बाद टैक्स पे करें, बाद असेसमेंट है, सब चीज़ें हैं। तो अब मैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बोल सकते, मैं एक दो सेंटेंस बोलूँगा। लेट इंसिडेंट अरफे के दिन से, चार चंबे को जब अपने सेट पर आया तो कुछ लोग लेके मीटर भाग गए यहाँ से, वो बाजू क्या हुआ वो लोग बोली गए, वो भाग गए लेट का मीटर लेके भाग गए, और उसके वो बाकी आते हैं फेंक के गए। नंबर टू मेरे को आके रात में दिन में पुलिस से हरासमेंट करे, जाओ अब भी वो करो, ये हम भी करते, बोला नहीं तुम जाके कर, मैं तुम रहो ना को मेरे आई नॉट एट ऑल कंसर्न विद दैट, मैं कोई तुमसे वो नहीं, मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहता हूँ, मर जाओ मैं ईद भी नहीं करता, कुरबानी मेरी कुरबानी यही है, मैं यहीं रहा। नंबर 1 वो बहुत पुलिस से भी हरास, बाद में समझ गए वो लोग पुलिस वाले भी ये बात सही है, राइट है बोल के, तो बहरा अलहमदिल्ला ठीक हुआ। फिर कल जो है तमाम होने के बाद पुलिस नहीं आई, कल थे हम सब ये करें कुरबानी ऐसे, तो नहीं होने के बाद भी हम चले सुकून है समझे। रात के 4 बजे मैं, मेरी फैमिली, इनके 7 बच्चे इन हो ना हो, मेरी मिसेस में 11 आदमी सो रहे हैं, तो रात के 4 बजे अरे निकल अरे ये सन्नाटे में जंगल में, पहले आके कोई रहता नहीं, हम हिम्मत करके आके रहे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो नहीं निकले, आवाज़ नहीं आई तो धन, बल्कि एक दरवाजे को एक मारा, वो दरवाजे को एक मारा, दो दरवाजे फाड़ करके खुल गए, खुलते ऐसे गया सोलह से आते जो है, अच्छा हुआ हमारी बीवी तो जो है बीपी और उसके शुगर के है,
परेशान हो गए, शक्ति में आ गए, बच्चे लपट के सहम गए बेहोश ऐसा। मगर हमारी बहू को जो अल्लाह उसको अच्छा रखे, हमारी बहू बोली कौन है रे, बोली बोलती अरे लेडीज अरे भाग 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 भाग। तो ये लेटेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं बहुत बोल सकता हूँ। मेरा बच्चा क्या करा फौरी निकला, क्योंकि जो है जो भी वीडियो ले रहे हैं उसको फ़ोन खींच ले रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो मेरा बच्चा लेते जो है वो कोई बनियन पे नंबर, ये लोगा कौन है ये इधर के ही रहने वाले, कोई बनियन पे नंबर वन लिखा हुआ था बोला बच्चा मेरा, मैं तो नहीं देखा उठ के ये खोरी हुए। वो मालिक लैंड ग्रैबर है कहते, मैं नहीं पहचाना था सबको, मेरे नामों में पुलिस स्टेशन में है मैं आने टंडी से, कोई कंप्लेंट कई कंप्लेंट्स। तो मानी टंडी साहब भी क्या है, क्या बोले आपको, वी विल गिव दी एश्योरेंस हम आपका मसला हल करते बोले जी। मैं उनको कंप्लेंट बुक करते बोले उनके ऊपर, हाँ उनके भी FIR भी डालते बोले। तो हमारे ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग एक्शन देन वी आर, ये पी एस अपने चंद्रांगे पे बनलागुड़ा तिनवाटा, चंद्रांगुड़ा था बल्लागुड़ा हो बनलागुड़ा जी जी हो ये। तो ये जो है मेरी होगी, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। अब हमारी बहू के मुँह से, कौन थे लेडीज कौन थे, हमारी बहू थे रुकिया सुल्तान फातिमा बिल्किस, उन्होंने भी एक सेंटेंस बोली गई इंशाल्लाह। रुकिया कहाँ क्या हुआ जी रात में 4 बजे बोलिए, आप जो देखे बोलिए, जो गुजरा वो बोलिए।